लोकेशन के हवाले से आपको अगेन गाइड करूंगा, आप मेन रायवन रोड से इसको डायरेक्टली भी अप्रोच कर सकते हैं और बैरिया ऑर्चर्ड फेस 4 की मेन बुलेवार्ड 160 फीट रोड से भी इसको अप्रोच कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कंसल्ट डिसाइड एंड बाय प्रॉपर्टी से मैं हूँ फहद। व्यूअर्स, राइट नाउ हम बैरिया ऑर्चर्ड फेस 4 में मौजूद हैं और G2 ब्लॉक की मोस्ट प्राइम लोकेशन के ऊपर आपको ऑर्चर्ड मॉल की कंस्ट्रक्शन के हवाले से अपडेट करेंगे। मेरे बैक साइड के ऊपर जो बिल्डिंग है वो ऑर्चर्ड मॉल है, जिसका ग्रे स्ट्रक्चर कम्प्लीट हो चुका है। बैरिया टाउन के एक बड़े ज़बरदस्त डेवलपर्स जिनका नाम क्यूलिंग्स प्राइवेट लिमिटेड है, ऑलरेडी अपने पास प्रोजेक्ट्स की वजह से मार्केट में बड़ा अच्छा परफॉर्म कर चुके हैं और इन्वेस्टर्स को इनके प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करके काफ़ी फ़ायदा हुआ है। तो उसी हवाले से ग्रे स्ट्रक्चर कम्प्लीटेड मॉल जो कि ऑर्चर्ड मॉल है, जिसमें आप रेजिडेंशियल और कमर्शियल दोनों तरह की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और इस साल के एंड में इसके ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर को ऑपरेशनल कर दिया जाएगा। थोड़ा सा आपको फ्लोर प्लान के हवाले से भी गाइड करूंगा। इसके बेसमेंट में क्यूलिंग्स प्राइवेट लिमिटेड का आपको अपना ग्रोसरी सेटअप मिलेगा असलम सुपरमार्केट के नाम से। ग्राउंड फ्लोर के ऊपर आपको डिफरेंट ब्रांड्स मिलेंगे, फर्स्ट फ्लोर के ऊपर भी कुछ कमर्शियल शॉप्स हैं, सेकंड फ्लोर के ऊपर किड्स अरीना के नाम से डील दी गई थी। इसी तरह थर्ड फ्लोर के ऊपर आपको एक IT मार्केट मिलेगी और फोर्थ फ्लोर के ऊपर आपको होटल अपार्टमेंट्स मिलते हैं। लोकेशन के हवाले से आपको अगेन गाइड करूंगा, आप मेन रायवन रोड से इसको डायरेक्टली भी अप्रोच कर सकते हैं और बैरिया ऑर्चर्ड फेस 4 की मेन बुलेवार्ड 160 फीट रोड से भी इसको अप्रोच कर सकते हैं। व्यूअर्स, ग्राउंड फ्लोर के ऊपर इन्वेंट्री 100% सोल्ड आउट है। इसमें रीसेल में आपके लिए कोई ऑप्शन अरेंज की जा सकती है। यहाँ पे जो डिफरेंट ब्रांड्स आ रहे हैं जिनके साथ MOU साइन हो चुका है, उसमें बाटा, आइडियाज़ बाय गुल अहमद और इंजन है। मजीद भी काफ़ी ब्रांड्स के साथ बात चल रही है। फर्स्ट फ्लोर के ऊपर भी आपको कमर्शियल शॉप्स मिलती हैं, जिसमें स्टिल अभी कुछ टॉप लोकेशन की शॉप्स अवेलेबल हैं जिसमें आप बुकिंग करवा सकते हैं। सेकंड फ्लोर क्योंकि किड्स अरीना के नाम से है, उसमें 100% इन्वेंट्री सोल्ड आउट है और उसमें आपके लिए कोई रीसेल में ऑप्शन अरेंज की जा सकती है। थर्ड फ्लोर के ऊपर आपको IT मार्केट मिलती है, वो भी 95-100% सोल्ड आउट है, उसमें आपके लिए कोई ऑप्शन अरेंज कर सकते हैं। फोर्थ फ्लोर के ऊपर आपको होटल अपार्टमेंट्स मिलते हैं, जिसमें आप लिमिटेड से ऑप्शंस अवेलेबल हैं और इसमें आप बुकिंग करवा सकते हैं। इसमें आपको अगर आप कैश पेमेंट के ऊपर परचेजिंग करते हैं तो आपको 8% रेंटल इनकम मिलती है और विद द पैसेज ऑफ टाइम आपका कैपिटल ग्रो करता रहता है। CDB प्रॉपर्टीज़ की रिकमेंडेशन पर हमारे जिन भी ओवरसीज़ कस्टमर ने यहाँ पर परचेजिंग की, वो आज काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट में है। ऑर्चर्ड मॉल में कोई भी प्रॉपर्टी अगर आप कैश पेमेंट लमसम पेमेंट के ऊपर परचेज करते हैं तो वेरी नेक्स्ट मंथ से आपका रेंटल इनकम 6% स्टार्ट हो जाता है और विद द पैसेज ऑफ टाइम आपकी प्रॉपर्टी में एप्रिसिएशन आती जाती है। अच्छी चीज़ ये है कि ऑर्चर्ड मॉल में कोई प्रॉपर्टी भी अगर आप परचेज करें तो वो आपको 100% ऑन ग्राउंड मिल रही है। लाहौर में या बैरिया में कोई भी चीज़ अगर आप इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर परचेज करते हैं तो वो ऑफ ग्राउंड होती है। यहाँ पर ऑर्चर्ड मॉल में अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करें तो वो आपको 100% ऑन ग्राउंड मिल रही है। इसमें पॉजिटिव साइन ये है कि इन्वेस्टर के लिए काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फेक्शन का बायस होता है कि वो कोई भी प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं तो उनकी इन्वेस्टमेंट सिक्योर है। जिस प्रोजेक्ट में डेवलपर की खुद की बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट हो, वहाँ पर आपकी इन्वेस्टमेंट ना सिर्फ सेफ होती है बल्कि बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल होती है। व्यूअर्स, आज से 5 साल के बाद यहाँ पर आपकी इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ में होगी और मेन रायवन रोड के ऊपर जहाँ पर नंबर ऑफ सोसाइटीज़ आ रही हैं, जिनमें बैरिया ऑर्चर्ड के चारों फेजेस अलकबीर टाउन, लेक सिटी, फ़ज़ाइया, AWT जैसी बड़ी सोसाइटीज़ हैं, वहाँ पर इस लेवल के ऊपर कोई ना कोई भी आपको कमर्शियल एक्टिविटी नहीं मिलती। ऑर्चर्ड मॉल में आप किसी तरह की भी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 0333-111-4300। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।